तो ये सरकार जो है नौजवानों के भविष्य के साथ पूरी तरह से, एक तरह से समझिए कि उसे बर्बाद करने में लगी है, लेकिन नौजवान जाग गया है। आज जो है हिंदुस्तान का हर नौजवान जानता है कि सरकार उनसे भारत की सेना का पूरा मूल चरित्र जो है खराब करने में लगी है। और जान में आप समझिए पैसा कमाना गुना है, पैसा बेईमानी ईमानदारी की बात नहीं है। जो आदमी पैसा कमाएगा उसको जीएसटी वाले बंद कर देंगे, जो आदमी पैसा कमाएगा उसे ईडी वाले परेशान करेंगे, जो आदमी पैसा कमाएगा उससे सारे जो भ्रष्ट अफसर है वो परेशान करेंगे। तो हिंदुस्तान में कोई नई कंपनी इसलिए नहीं आ रही, 2022 में आप जो है 6 महीने होने जा रहे हैं, एक नई कंपनी हिंदुस्तान में नहीं आई। और जितने स्टार्टअप थे 100 से ज्यादा जिनको यूनिकॉर्न कहते थे, जी, जो है एक तरह से 1 बिलियन की जो कंपनी हो गई उसे यूनिकॉर्न बोलते हैं, उनमें से 66 स्टार्टअप जो है उन्होंने विदेश में जाके अपने ऑफिस खोल लिए हैं। बताइए हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काजमी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आज संडे है और आज रविंद्र कुमार जी से बहुत ही अहम इश्यूज पर बात करनी है। बहुत ही बेबाक अंदाज में अपनी बात रखते हैं और वो बातें जो आप सुनना चाहते हैं और जो समझना चाहते हैं, चूँकि देश जिन हालात से गुजर रहा है वो बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल है। किसान मूवमेंट के बाद में अब एक नई किस्म की एक तरह से देश पर या मुसीबत कहा जाए, परेशानी कहा जाए या क्राइसिस कहा जाए, ऐसी हालत है इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से जो हाल ही में एक ऐलान किया गया था सेना में भर्ती के लिए, जिसमें अग्निपथ और अग्निवीर की बात कही गई है, वो आप अब तक बहुत कुछ समझ चुके होंगे अखबारों से और सोशल मीडिया से बहुत कुछ आ रहा है। देश भर में कहीं रैली जल रही हैं, कहीं प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कहीं आत्महत्या कर रहे हैं नौजवान। ये कितनी खतरनाक सूरत हाल है। कैसी सरकार है जिसमें हमारे नौजवान खुदकशी करने के लिए मजबूर हो गए हैं? आखिर देश किस तरफ जा रहा है, ये बहुत ही अहम इशू है। आपने अक्सर गांव देहात में सड़कों पर नौजवान बच्चों को दौड़ते हुए देखा होगा, वो इसी तैयारी में लगे रहते हैं कि वो फौज में या पुलिस में उनकी भर्ती हो जाए। और हमने दिल्ली के आसपास जो जाट बेल्ट है, यूपी में भी, हरियाणा में, उसमें आप अक्सर देखते होंगे कि उस तरह से बच्चे तैयारी करते हैं, 12वीं क्लास के फौरन बाद से तैयारी शुरू कर देते हैं। उनके दिल पर क्या गुजर रही है ये समझना है। इसके अलावा राहुल गांधी कांग्रेस के टॉप लीडर वही हैं, प्रैक्टिकली तो प्रेसिडेंट उनकी मदर हैं, लेकिन वो सबसे अहम लीडर इस वक्त हैं। उनको ईडी में बुला करके किस तरह से क्या कुछ हो रहा है, 3 दिन तक लंबे टाइम तक पूछगछ में बिजी रखना और एक ऐसा क्राइसिस पैदा करना जिसमें खुद कांग्रेस पार्टी के अंदर दिल्ली पुलिस घुस गई और वहां हमला हुआ और क्या क्या हुआ वो भी आपने वीडियोस देखी हैं। इसके अलावा सहारनपुर से एक बहुत ही तकलीफदेह खबर एनडीटीवी ने दी थी। उस एनडीटीवी का नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि उन्होंने खोजी पत्रकारिता करके वहां की हकीकत बताई थी। कुछ नौजवानों को जो पिछले 10 तारीख को प्रोटेस्ट हुए थे उसमें शामिल होने के लिए थाने लाया जाता है और उनकी घुटनों पर, सीधे घुटनों पर डंडों से पिटाई की जाती है। उनका हाल बहुत बुरा है, जेलों में सड़ रहे हैं, उनका कोई पूछने वाला नहीं है, वो है। और उसके अलावा शेयर बाजार जो हमारी इकोनॉमी का इंडिकेटर होता है, एक तरह से नापने का होता है कि हमारी इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, वो भी एक तरह से धड़ाम नीचे आया हुआ है। रविंद्र कुमार जी वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया। आप बताइए कि ये जो डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक लंबे अरसे से मांग हो रही थी कि कोई भर्तियां नहीं हो रही हैं, भर्तियां खोलो, तो अब वो जो भर्तियां खोलने की बात हुई है उसमें 4 साल के लिए फौजी बनो उसके बाद जाओ टाटा बाय बाय, तो आखिर क्या ये देश की सुरक्षा के लिए कोई ख़तरा नहीं है? क्या देश की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है? आखिर क्या कुछ है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? और जो नौजवान पूरा एक कैरियर के तौर पर उसे लेना चाहते हैं उनके साथ क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है? ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है जो सरकार लोगों के साथ और विशेष रूप से देखिए तो नौजवानों के साथ कर रही है। हाँ,
मोदी सरकार ने अपनी इस बेहुदा योजना का नाम रखा है अग्निपथ, और जो दृश्य है वो है लो पथ पे अग्नि रथ, क्योंकि रेलों को जलाया जा रहा है और लोपत गामनी हम रेल को बोलते हैं जी, जी, जी। तो ये जो है दरअसल मोदी जी के और राजनाथ जी के मुंह से बात निकली और 24 घंटे में सही उतर गई कि हर लोपत पर अग्नि रथ चलने लगा है। जी, जी, जी। लोग जो है गुस्से में हैं, जवान गुस्से में हैं, और जवान गुस्से में इसलिए है कि उसकी एक वजह है। वजह यह है कि जैसे आपने कहा लोगों का पैशन होता है आर्मी में जाना, बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए वो पूरे देश के लिए मरना एक फखर की बात, बिल्कुल बिल्कुल आ जाता है, और इसीलिए वो जो है अपने जज्बे से और अपने पैशन से समझौता नहीं करते थे। और जो सबसे बड़ी बात जिस वजह से लोग सड़क पर उतरे हैं उसका कारण यह है कि भारतीय सेना में आदमी की, नौजवान की भर्ती की उम्र जो है वो 27 साल थी, और जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनमें उसकी उम्र जो है 27 से 42 साल तक। अच्छा, अब इन्होंने ये कर दिया कि सेना में जवान की भर्ती 17.5 साल से 21 साल तक होगी। तो आप समझिए वो जवान, वो नौजवान जो 21 साल से 28 साल तक का है, जो अपनी तैयारी कर रहा है, उसको तो उसका गला आपने जो है दराती से एक ही बार में काट दिया। हाँ, हाँ, और ये जो सड़क पर उतरे हुए वो लोग हैं, हाँ, जिनके सामने से आपने उनका मुंह का निवाला छीन लिया है और ये कह दिया कि तुम बिल्कुल नकारा हो, बेहुदा हो, तुम्हारा कोई भविष्य नहीं। आप देखिए कि नौजवान को 21 साल की उम्र में रिटायर करने का जो आइडिया हिंदुस्तान की नायब सरकार को आया है, उसके मुखिया नरेंद्र मोदी हैं जो खुद 71 साल के हैं, और जब वो सरकार में आए थे तब उन्होंने लाल कृष्ण अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी उन सबको घर यही कह के बिठा दिया था कि राजनीति में 70 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्ति का कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है, घर बैठो। और मोदी जी अभी 71 साल के हो गए, और अभी उन्होंने कहा था ना एक बार और प्राइम मिनिस्टर के लिए तैयार। आप समझिए अपने लिए एक पैमाना और अडवाणी जी के लिए दूसरा पैमाना, मुरली मनोहर जोशी के लिए तीसरा पैमाना, ये समझिए इस आदमी की जो हरकतें हैं वो कुछ लोगों को ऐसा लगता है, कई लोग कमेंट करते हैं कि पागलपन का एक दौरा सा चढ़ता है, और हिटलर को भी ऐसे पागलपन का दौरा चढ़ता था, वो समझता था मैं सर्वशक्तिमान हूँ, हर चीज से ऊपर हूँ, हर नियम से ऊपर हूँ। अब मोदी जी जो अपनी बार बनाते हैं, जो सीमा रेखा बनाते हैं, 70 साल के बाद राजनीति में आपको चुनाव नहीं लड़ना, खुद उस सीमा का उल्लंघन करते हैं। अब आपकी बात जो है वो ये है कि अग्निपथ योजना से देश की सीमाओं की रक्षा के साथ समझौता किया जा रहा है, समझौता नहीं किया जा रहा बल्कि उसे रद्द किए खराब किया जा रहा है। जी, जी जी, हिंदुस्तान 900 साल गुलाम रहा, हम हमेशा कहते हैं गुलाम रहा, क्यों गुलाम रहा, क्योंकि हमारे यहाँ सैन्य संगठन नहीं थे, राजा महाराजा थे, छोटे छोटे वो अपनी लड़ाइयाँ लड़ते थे, और जब उन्हें लड़ना होता था तो किसान जो खेतों में काम करता था, नौजवान जो होता था उसको कहते थे ले तलवार उठा, ढाल उठा, भाला उठा और लड़ ले। तो प्रशिक्षित सेना की ना होने की वजह से हमारी सेनाएं, हिंदुस्तान की सेनाएं लगातार विदेशी आक्रांताओं से हारती रहीं, और जिसकी वजह से देश गुलाम हुआ। जी जी जी। और हिंदुस्तान में अंग्रेजों का जो आखिरी शासन जब बना, 1856 की बात में कर रहा हूँ, 1756 की, उसके बाद देखिए कि हमारी सेनाएं, चाहे पलासी का युद्ध हो या और दूसरे युद्ध हो, हम इसलिए हारे क्योंकि हमारी सेनाएं, हमारे देश के राजाओं के पास सेनाएं संगठित नहीं थी, और अंग्रेजों ने एक ढांचा खड़ा किया 200 साल में, यानी हिंदुस्तान की सबसे पुरानी रेजिमेंट जो है वो एक पारा रेजिमेंट थी, और उसके बाद जो है जो पंजाब की सिख रेजिमेंट है वो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी बटालियन है। और उस रेजिमेंट के साथ अब ये क्या कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि अग्निपथ में कोई भी व्यक्ति किसी भी बटालियन में भर्ती हो सकता है। अच्छा। यानी कि पंजाब की सेना में आप देखेंगे कि वहां पर बिहार का आदमी भी भर्ती हो सकता है, गुजरात का आदमी भर्ती हो सकता है, यानी एक एक बटालियन का जो जवान होता है उसको अपनी बटालियन पे गर्व होता है। गोरखा वाला कहेंगे हम गोरखा हैं, डोगरा वाले कहेंगे हम डोगरा हैं, पंजाबी वाले कहेंगे हम सिख रेजिमेंट के हैं, पंजाब रेजिमेंट के हैं। एक एक सेंस ऑफ पोजेशन उनका धर्म बन जाता है, वो भी बन जाता है फिर। नहीं, इसमें तो अगर अलग अलग जगह के जवानों को लिया जाएगा तो बुनियादी जो शर्त होती है बॉडी की,
वो सबकी एक जैसी नहीं होती। नहीं नहीं वो भी दूसरों का खान पान ललकार एक जो उनमें एक जो कॉम्रेडशिप पनपती है वो सब खत्म करना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए बोले सोलिया जो सत श्री अकाल ये जो सिख जो पंजाब रेजिमेंट है उसका नारा है जिससे वो वार क्राई जिसे बोलते हैं कि उसका नारा लेते हैं और वो उनमें जोश आता है और वो दुश्मन को जो है गाजर मूली की तरह काट देते हैं। बिल्कुल वो अब ये कर रहे हैं कि इसमें सबको घुसेड़ के कर दें। और आप एक बात समझिए हर रेजिमेंट की भर्ती जो है अलग से होती है। सिख रेजिमेंट अपनी भर्ती करेगी तो अपने हिसाब के लोग लेगी, जाट रेजिमेंट करेगी तो अपने हिसाब से लेगी, राजपूताना करेगी तो अपने हिसाब से लेगी। अब मोदी जी और राजनाथ जी कहते हैं कि हम भर देंगे और भरने के बाद जो है जिस रेजिमेंट में जिसको चाहे भेज देंगे तो ये सेना के मूल चरित्र उनके जो लड़ाकूपन है उसको जो है बर्बाद करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है। और ये मैं एक तरह से कह सकता हूं कि देश की सीमाओं को सुरक्षित नहीं रखना चाहती। तो ये देखिए इसमें तो और कई इश्यूज आएंगे जब देखिए इंसान का नेचर होता है। हम मिसाल के तौर पर इंटरनेशनल देखें या देश के अंदर अलग अलग सूबे देखें, किसी एक सिचुएशन में बहुत मुमकिन है कि पंजाब का आदमी और केरल का आदमी डिफरेंट रिएक्ट करें। ये एक नेचर में होता है। और जब ये अलग अलग जगह के लोग एक ही रेजिमेंट में होंगे तो ये एक जैसा दुश्मन को जवाब भी नहीं दे सके। नहीं नहीं आप समझिए सेना की भर्ती के नियम अगर आप सुनेंगे तो उसमें तय है कि पंजाब के कौन से जिले का आदमी सिख रेजिमेंट में जाएगा और कौन सा जो है पंजाब रेजिमेंट में जाएगा जिले वार तक। तो उनकी उनकी हैबिट्स उनके कॉम्रेडशिप उनमें दोस्ती कॉम्रेडशिप एकापन बिल्कुल उसके लिए फौज बनाई जाती है। पूरी फौज में एक समझ लीजिए वो पूरी फौज जो है कोई बटालियन है 900 आदमियों की 1000 आदमियों की वो 900 आदमी नहीं है वो एक आदमी और वो फैमिली की तरह से फैमिली की तरह जैसे हमारा शरीर है हाथ पांव सब है तो इकट्ठा होकर लड़ते हैं उसको बर्बाद करने की कोशिश मोदी सरकार कर रही है। और मोदी सरकार मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की फौज को जैसे हमने कह दिया कि हमारी जो है जो राष्ट्रीय एयरलाइंस थी एयर इंडिया उसे भेज दिया, इसी तरह फौज का भी प्राइवेटाइजेशन करना चाहते हैं। यानी समझिए 21 साल की उम्र में जो लड़का 17.5 साल में भर्ती होने के बाद रिटायर हो जाएगा तो आजीवन उसके ऊपर कैसा बोझ रहेगा। ही इज रेडी टू लिव ए रिटायर्ड लाइफ। तो ये सरकार जो है नौजवानों के भविष्य के साथ पूरी तरह से एक तरह से समझिए कि उसे बर्बाद करने में लगी है। लेकिन नौजवान जाग गया है आज जो है हिंदुस्तान का हर नौजवान जानता है कि सरकार उनसे भारत की सेना का पूरा मूल चरित्र जो है खराब करने में लगी हुई है। अच्छा अब उनका क्या होगा वो जो अंधभक्त हैं वो कौन से कोने में जाकर के मुंह छुपाएंगे। अब किसानों के जमाने में वो झूठ और ये सब चलता रहा किसी तरह से उन्होंने हिम्मत की अपने आप को खड़ा रखने की, लेकिन अब जब जगह जगह जवानों की तरफ से उन जवानों की तरफ से जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं फिर उसके मुकाबले में कौन सा राष्ट्रवाद ठहरेगा टिकेगा। आप समझिए हमारी सीमाओं पर आज जो है सेना को ताकत देने की जरूरत है। और हमारे राजनाथ सिंह जी ने एक बड़ा मजेदार बयान दिया, उन्होंने कहा कि एक सैनिक पर पूरे जीवन में उस पर 11.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। तो मैंने उसका बाइफर्केशन किया तो पता चला कि हर साल एक सेना के जवान पर सरकार जो है 48 लाख रुपए खर्च करती है। और उसमें ये जो अग्निपथ वाले जवान है इनको मिलेगी तनख्वाह कितनी 30,000 रुपए के हिसाब से मिलेगी तो 3,60,000। तो सरकार जो है एक तरह से भाड़े के सिपाही बना रही है। और एक बात इन्हें याद नहीं है कि भाड़े के सिपाही जो है कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, युद्ध नहीं जीता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए जरूरत होती है उन लोगों की जो सेना वो एक सैनिक जो होता है ना वंस ए सोल्जर इज ऑलवेज अ सोल्जर डेफिनेटली इवन पूरी फैमिली सोल्जर हो जाती है। रिटायर होने के बाद भी वो सोल्जर रहता है। रिटायर होने के बाद भी अपनी वर्दी पहनता है। बिल्कुल। रिटायर होने के बाद भी अपने हथियार रखता है, अपनी रेजिमेंट के जो उनके मिलन होते हैं वार्षिक मिलन या और समारोह होते हैं उनमें जाता है, उसमें जाता बड़ी खुशी से जाता है और वो लेके जाता है बाकायदा बताता है बिल्कुल बिल्कुल मुझे क्या क्या इनाम मिले क्या। और अब ये क्या कर रहे हैं उनको कह रहे हैं कि भाई तुम जो है 4 साल यानी 4 साल तो आप अगर उसे दिनों में अगर कन्वर्ट करें 365 × 4 करेंगे तो 1,330 दिन जो है उसके बाद वो कहेंगे तू बेकार हो गया बताइए। और आप समझिए जो इस तरह के अनियमित एक तरह से सैनिक है ये नियमित सेना नहीं है तो इस तरह के लोग जो होते हैं अगर वो सेना में भर्ती भी हो गया तो वो रोज दिन गिनेगा। बिल्कुल। जैसे ही वो लगेगा 2 साल हो गए अब कहेगा अब तो मेरी रिटायरमेंट की लाइफ शुरू हो गई और उसका सेना में कोई जो है उस तरह का दिलचस्पी नहीं रहेगी। वो सोचेगा रिटायरमेंट से 1 साल पहले कि मेरे को अभी शादी भी करनी है मुझे जो है परिवार भी पालना है
मुझे रोजगार भी ढूंढना है। मतलब रिटायर होकर के वो शादी करेगा बेचारा? नहीं नहीं, रिटायर होकर शादी करेगा, और रिटायर होने का उसकी बीवी कहेगी रिटायर होकर तू आ गया घर पे, कमाई नहीं करता, उसको कितने ताने सुनने पड़ेंगे, और वो जो है अखबारों में विज्ञापन ढूंढेगा कहाँ कहाँ रोजगार मिल रहा है। बिल्कुल, वो कहाँ अपने बच्चों को पालेगा, कैसे अपनी वाइफ को सपोर्ट करेगा, कैसे पेरेंट्स को सपोर्ट करेगा। तो ये जो मोदी जी ने किया है, इसको जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक चुटकुला याद आया कि दो अफीमची थे, गुरु और चेले। तो वो अफीम खाते थे, अफीम की बने हुए गुरु ने चेले को कहा कि चेले जाके वहां से जो है गिलास उठा ला। चेला गया गिलास उठाने, बड़ी देर वहीं खड़ा रहा। तो गुरुजी ने कहा गिलास क्यों नहीं उठा के ला रहा? कहते गुरुजी इस गिलास का तो जो है मुंह ही नहीं है। अब गुरु ने कहा ऐसा कौन सा गिलास हो गया जिसका मुंह नहीं है? तो वो लेके आया, तो गुरुजी ने उसको थोड़ी देर बजा गया, बोले मुंह तो है नहीं। फिर नीचे से हाथ डाला, बोला इसका तो तला भी नहीं। तो ये सरकार जो है, राजनाथ जी और मोदी जी और सेना के जनरल, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि सेना के जनरल क्यों नहीं बोलते, वो तो पढ़े लिखे हैं। लेकिन सेना जो है अनुशासन से बंधी है, अगर जनरल ने मुंह खोला तो उसको एक तो रिटायर कर दिया जाएगा और उस पर कोर्ट मार्शल में मुकदमा शुरू हो जाएगा। इसलिए सेना में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ जो है भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व जनरल, भूतपूर्व सेनाध्यक्ष, वो ही बोलेंगे। हाँ। और वो ही बताएंगे कि ये पूरी योजना भारतीय सेना का भट्टा बैठाने की पूरी साजिश है। अच्छा, ऐसे वक्त में देखिए, पिछले तकरीबन 2 साल से भी ज्यादा हो गए चीन ने कुछ इलाकों पर कब्जा किया हुआ। वो रैंक रैंक के, अमेरिका कह रहा है रैंक रैंक के बढ़ता जा रहा है रोज। वो बढ़ता जा रहा है। उधर अरुणाचल प्रदेश में बाकायदा कुछ गांव बसाने की खबर, गांव बसा लिया उसे, 36 जगहों के नाम बदल दिए। वो अब ऐसे वक्त में जबकि फौज को और मजबूत करने की जरूरत थी, ऐसे वक्त में उसे और कमजोर करने की कोशिश की, बर्बाद करने की, कमजोर नहीं बर्बाद। तो फिर किसके प्रोजेक्ट पे ये लोग काम कर रहे हैं, क्या है ये लोग जो है, आप समझिए। जैसे एक बात है कि वैसे मैंने आपसे वो नहीं पूछा कि वो जो नचेड़ी वाली जोड़ी थी वो कौन कौन थे, मैं तो कहा राजनाथ और मोदी जी। हाँ, तो अब ये किसके दिए हुए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कौन से दुश्मन से मिले हुए हैं? बिल्कुल सीधी सीधी बात, ये हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मोदी जी आजाद भारत के आखिरी प्रधानमंत्री के रूप में याद किए जाए, क्योंकि आप समझिए किसी भी डायनेस्टी, किसी भी रूल को जब हम कहते हैं तो पहला शुरू किसने किया और अंत किसने किया, यानी आपको हुमायूं की याद आएगी, फिर आपको जो है सीधा पता याद आएगी कि बहादुर शाह जफर आखिरी इसके चिराग थे। तो एक तरह से कहानी का दी एंड करने के लिए भारत जिसका जो एक संभावनाओं वाला देश था, उसको 8 साल में मोदी जी ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, नेस्ता नाबूद कर दिया। तो ये देखिए बहुत ही तकलीफ की बात है कि नौजवान सड़कों पर है, गाड़ियों को आग लगा रहे हैं, ट्रेनें जलाई जा रही हैं, बहुत जगहों से खबरें आ रही हैं कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आत्महत्याएँ करनी शुरू कर दी हैं। आखिर ये रेला कहाँ रुकेगा, क्या होगा, ये देखने की बात है। लेकिन बहरहाल पूरे देश को जागरूक रहने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि हम किन हालात से गुजर रहे हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ देश की नंबर 2 सबसे अहम नेशनल पार्टी, अब उसे सबसे बड़ी पार्टी भी कहना ज़रा मुश्किल हो गया है, कांग्रेस को, उसके लीडर राहुल गांधी को उस केस में जो 10 साल से पेंडिंग है, उसमें अचानक ईडी में बुलाने का क्या मतलब है? टाइमिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है इस वक्त, ये क्यों किया जा रहा है ये? क्योंकि राहुल गांधी को पूरे दिन 12 घंटे 14 घंटे पूछगछ, बिल्कुल ऐसे जैसे क्रिमिनल के साथ पूछगछ होती है। दिल्ली में ही वो हेराल्ड हाउस है, दिल्ली में ही सब कुछ है, कोई चीज़ कहीं नहीं भाग रही, रिकॉर्ड कहीं से नहीं बाहर गए, अदालतों में मुकदमे पेंडिंग हैं। अब ये पूछगछ क्यों, आखिर इसका क्या मकसद है? इसका मकसद जो है, खुद जो अनुभक्त हैं वो बताते हैं कि 2010 में मोदी जी को भी ऐसे ही ग्रिल्ड किया गया था। अच्छा। और मोदी जी की जांच हुई थी और मोदी जी उस समय जो है बेस्ट बेकरी कांड में 70 लोगों की मौत हुई थी। हाँ। उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनकी जांच की जाए और इनकी इंक्वायरी हो। तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने ही एक आर.के. राघवन सीबीआई के डायरेक्टर थे, उनकी अगुवाई में एक समिति बनाई जिसमें ए.के. मल्होत्रा जो सीबीआई के डीआईजी थे उस समय, और एक कर्नल सिंह थे जो दिल्ली पुलिस के थे, उनको जो है उसका सदस्य बनाया गया। मोदी जी को बुलाया गया, 68 सवाल लिखे गए, मोदी जी को दिए गए, मोदी जी हंसते हंसते आए और उन्होंने क्लीन चिट इन्होंने दे दी। अब क्लीन चिट की जो दास्तान वो ये है कि मोदी जी वैसे याद रखते हैं कि उनके साथ किसने बुरा किया, किसने अच्छा किया, और पूरा बदला लेते हैं। बदला उन्होंने इस तरह लिया कि कर्नल सिंह को ईडी का डायरेक्टर बना दिया।
अच्छा, और ईडी का डायरेक्टर बना के कर्नल सिंह 3 साल वहां रहे, और उसके बाद उनको उस समय ये पूरा यकीन था कि मुझे कहीं का गवर्नर बनाया जाएगा। अच्छा, तो ऐसी बात जो है इससे समझ सकते हैं कि मोदी जी का जो उस समय का जो ये इंक्वायरी का जांच का जो नाटक था वो किस तरह का प्रायोजित रहा होगा। अब मोदी जी जब बाहर आए उन्होंने खूब बढ़िया इंटरव्यू दिए उस समय 2010 में, और ऐसे इंटरव्यू दिए कि जैसे मनमाफिक डील हुई हो। जी जी जी। अब राहुल गांधी की जो अब ग्रिलिंग हो रही है उसको बारे में जो अब भक्त कहते हैं कि मोदी जी के साथ भी तो ये हुआ, भाई राहुल गांधी पे 70 लोगों की मौत का मामला नहीं है। हाँ, बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी पे 2002 के दंगे भड़काने का मामला नहीं है। राहुल गांधी पे जो काम है, जो आरोप है, उसे जनता की भाषा में अगर समझाएं तो वो ये ऐसे है कि एक कंपनी थी AJ लिमिटेड, एसोसिएट जनरल लिमिटेड, उसको नेहरू जी ने स्थापित किया था 1938 में। वो हेरल्ड, नेशनल हेरल्ड नाम की एक अखबार निकालती थी, कौमी आवाज निकालती थी, बाद में नवजीवन भी निकलना शुरू हुआ। और उसके बाद नेहरू जी की मौत के बाद उसके जो शेयर हैं 38% जो है आज के दिन जो है वो राहुल गांधी के पास थे, 38% सोनिया गांधी के पास थे, 12% मोतीलाल वोरा के पास थे, 12% ऑस्कर फर्नांडिस के पास। तो वो पूरी तरह से कंपनी 4 लोगों के नियंत्रण में थी। उस कंपनी पे 90 करोड़ का कर्ज था, क्योंकि 5,000 एम्प्लॉई थे जिनको तनख्वाह नहीं मिल रही थी, वो प्रदर्शन करते थे, अखबार बंद हो रहा था। तो कांग्रेस ने अपने फंड से 90 करोड़ रुपए दिए ताकि उन लोगों को दिए जा सके और एम्प्लॉय घर जा सके। उसके बाद उन्होंने तय किया कि इसमें थोड़ा बदलाव करना है, तो एक नई कंपनी बनाई गई जिसका नाम रखा गया यंग इंडिया लिमिटेड। और यंग इंडिया लिमिटेड के चारों वही लोग जो है, यानी जो मालिक पहले थे वही मालिक बाद में बन गए। और उसमें जो है पहली कंपनी जो थी वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलती थी, वो जो है सेक्शन 25 कंपनी एक्ट में है, जैसे ट्रस्ट होता है, एनजीओ होता है, वैसी एक कंपनी थी। वैसी ही कंपनी जो है यंग इंडिया थी, जो कि नए जो कंपनी एक्ट है उसकी धारा 8 के मुताबिक है। कुछ चीज नहीं बदली, ये ऐसे ही है जैसे मैंने आपकी रंग वाली शर्ट पहन ली हो या आपने मेरे रंग की पहन ली हो, क्योंकि मालिकाना हक कुछ नहीं बना, कुछ नहीं बदला। और ये समझा रहे हैं जी 2,000 करोड़ का घपला हो गया। अरे भाई 2,000 करोड़ का घपला हुआ तो उसके मालिकियत किसके पास थी? उन्हीं लोगों के पास थी। अब किसके पास है? उन्हीं के पास है। तो ये जरूर हो सकता है कि जैसे हम कहते हैं जैसे चार्टर अकाउंटेंट होते हैं वो अंकेक्षण करते हैं और चीज करते हैं, तो कंपनी एक्ट की तकनीकी तो गलतियां हो सकती हैं। हाँ। लेकिन उनका सुधार है, उन पे जुर्माना है, लेकिन उसको ऐसा बताया जा रहा है जैसे देश लूट लिया। हाँ। अरे भाई अगर इस तरह आप एक एक कंपनी के अमलगेमेशन पर, उसके ऑब्जर्वेशन पर, उसके स्प्लिट होने पर अगर मुकदमे दायर करोगे तो अडानी जेल में होगा, अंबानी जेल में होगा, अनिल अंबानी जेल में होगा, बाबा रामदेव जेल में होंगे, ये सारे लोग जेल में होंगे। सिर्फ सरकार बदलने की देर है, और सरकार बदलेगी तो मैं ये कह सकता हूँ कि जिस दिन सरकार बदलने का मौका आएगा ये सब हिंदुस्तान छोड़ के भाग जाएंगे। तो हिंदुस्तान छोड़ने का तो सिलसिला बहुत पहले से ऐसा चल रहा है। नहीं, अब तो सरकार ही कह रही है कि 8,000 जो है नए धन कुबेर, 1,000 करोड़ जिनके पास है वो 2022 में देश छोड़ने के लिए तैयार है, और अपनी 1,00,000 करोड़ की संपत्ति वो हिंदुस्तान से बाहर पहले ही ले जा चुके हैं। तो ये देश को अलग अलग तरीके से लूटने का इंतजाम मुसलसल हो रहा है। देखिए जो ये बड़ी कंपनियों वाले लोग हैं वो पैसा सारा बाहर भेज देते हैं, फिर खुद भी निकल लेते हैं ये, और अब कई लोग तो देश में नफरत वाली पॉलिटिक्स की वजह से जा रहे हैं। बिल्कुल, कई लोग का देश में कारोबार तबाह होने की वजह से जा रहे हैं। नहीं नहीं, आज के हिंदुस्तान में आप समझिए पैसा कमाना गुनाह है। पैसा बेईमानी मानता की बात नहीं है। जो आदमी पैसा कमाएगा उसको GST वाले बंद कर देंगे, जो आदमी पैसा कमाएगा उसे ED वाले परेशान करेंगे, जो आदमी पैसा कमाएगा उससे सारे जो भ्रष्ट अफसर है वो परेशान करेंगे। तो हिंदुस्तान में कोई नई कंपनी इसलिए नहीं आ रही, 2022 में आप जो है 6 महीने होने जा रहे हैं, एक नई कंपनी हिंदुस्तान में नहीं आई। और जितने स्टार्टअप थे 100 से ज्यादा जिनको यूनिकॉर्न कहते थे, कि जो है एक तरह से 1 बिलियन की जो कंपनी हो गई उसे यूनिकॉर्न बोलते हैं, उनमें से 66 स्टार्टअप जो है उन्होंने विदेश में जाके अपने ऑफिस खोल लिए। बताइए बताइए, ये और ये था वो मेक इन इंडिया और क्या क्या इंडिया, या उठो इंडिया बैठो इंडिया, तो ये बड़ी अजीब अजीब चीज, रायता फैलाओ इंडिया हो रहा है। रायता फैलाओ इंडिया। अच्छा, अब मैं बात करना चाहता हूँ, ये एक वीडियो आई है जिसमें NDTV ने खोजी पत्रकारिता की है जैसा कि वो करते हैं अक्सर। सहारनपुर में कुछ जवानों को थाने में बहुत ही बेरहमी से घुटनों में जो डंडे से पिटाई हुई है, उसके बाद बहुत लोगों का बुरा हाल है, जेलों में फंसे हुए हैं, और
वहां के पुलिस अफसरान ने मना कर दिया था कि इनका सहारनपुर से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो प्रूफ हो गया कि सहारनपुर से। क्या थाने में ऐसी पिटाई और उस पिटाई की वीडियो बना करके पब्लिक में डालना, ये क्या कुछ, क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज ये देना चाहते हैं कि आप अगर कुछ करेंगे तो हम तुम्हारी कुटाई करेंगे, तुम्हारी टांग तोड़ देंगे, तुम्हारा सर तोड़ देंगे, तुम्हारा बदन तोड़ देंगे, तुम्हें बेइज्जत करेंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे। ये एक तरह से नाजी जो तरीका है प्रोपेगेंडा का, लोगों के मन में डर बैठाने का, ये उसकी साजिश है। और जब भी ये पकड़े जाते हैं अपनी गलती की वजह से पकड़े जाते हैं, क्योंकि ये अपनी वीडियो भक्तों में वितरित करते हैं। अब भक्त किसी हमारे जैसे लोगों को भी भेज देते हैं तो वो भेज देते हैं तो वो एक तरह से सच्चाई बन जाती है। मेरे पास दूसरी एक वीडियो आई है, मैं दिखा रहा हूँ सबको, कह रहे हैं मुर्गा बन के तुम जो है पेड़ के चारों ओर चक्कर लगाओ, उसमें बुजुर्ग हो वो हो। और एक तो बड़ी विभत्स है कि एक छोटा बच्चा था घर की सीढ़ी पे खड़ा था, उसके पुलिस वालों ने कहा इधर आ इधर आ, वो बेचारा उनके बहकावे में उनके पास आ गया, फिर उसको कहा भाग भाग भाग, फिर उसके ऊपर जो उन्होंने लाठियां बरसाई और फिर गोली चलाई। बताइए यानी कि वो पूरी वीडियो अगर शुरू से आखिर से देख ले तो आप समझिए हिंदुस्तान के किसी भी बच्चे का भविष्य, उसकी जान पुलिस के हाथों सुरक्षित नहीं है। जी जी, हर बच्चा मारा जाएगा, ये बहुत खतरनाक है, बहुत। देखिए अब वो लोग कहाँ जाए गए जो इतने अंधभक्त हुए कि गोबर खाने और पेशाब पीने के लिए भी तैयार हो गए, क्या अब भी, क्या वो अपने बच्चों के साथ भी ऐसा होता हुआ देखना चाहेंगे? और दूसरी बात ये, क्या आप सिर्फ मजहब की बुनियाद पर इंसानों को देखेंगे? क्या आदमी मजहब की बुनियाद पे उस आदमी से घृणा करता है जिससे वो मिला नहीं, जिसे जानता नहीं, जिसका नाम नहीं पता? जी 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 बिल्कुल, मेरे को ऐसे लोग मिलते हैं आज आज आजकल, मेरा पता नहीं मेरी किस्मत खराब है, ऐसे ऐसे लोग पढ़े लिखे जहीन लोग मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं जी मरने से पहले 200 लोगों को मारना चाहता हूं। एक ने मुझे कहा जी मैं 20 करोड़ मुसलमानों को मारना चाहता हूँ, आप जरा पैसे का इंतजाम करवा दो। कोई कहता है जी बंदूक दिलवा दो, कहाँ मिलती है? यानी कि हिंदुस्तान के लोगों में नफरत इतनी भर गई है, बिना जाने के सामने वाले का नाम क्या है, उसकी बल्दियत क्या है, वो क्या करता है, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं लोग आज। अरे सब वो जो मुसलमान नहीं भी थे शक में भी मार दिए गए। शक में क्या, आप समझे नहीं, आप अपनी आइडेंटिटी को लटका के घूमोगे? हाँ। और लटका के क्यों घूमे? हाँ। सवाल यह है कि आप हिंदुस्तान के नागरिक को, किसी भी नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को, यानी आप सड़क पे चलते हुए कुत्ते को तो मार नहीं सकते कि ये कुत्ता है मार दो इसे। जी जी जी, अगर मारोगे तो कानून आ जाएगा, लोग कहेंगे भाई तुम कुत्ते को क्यों मार रहे हैं। बिल्कुल। और यहाँ ये हाल है कि आदमी को मारने के लिए लोग जो है मानसिक रूप से तैयार हो गए। जी जी। और आपको आने वाले समय में ऐसी खबरें बड़ी मिलेंगी कि अनजान आदमी ने अनजान आदमी को मार दिया और ये नहीं पता चला क्यों मर गया। जी जी जी, ये बहुत ही इतनी खतरनाक सूरत हाल के मारने के लिए तैयार घूम रहे हैं और हथियार दे दो और पैसे दे दो, ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। हम किसी को डराना नहीं चाहते, लेकिन जरूर ये चाहते हैं कि संजीदगी से गौर करें, समझें और इस देश को किसी तरह से वापस ट्रैक पर लाने की कोशिश करें, ताकि देश में मोहब्बत के साथ एक दूसरे के साथ मिल करके रहा जा सके। आखिर पड़ोसी से पड़ोसी क्यों नफरत करे, क्यों उस नफरत की वजह से एक दूसरे के खिलाफ हो जाए, जबकि किसी ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, नुकसान नहीं पहुंचाया। अब इन सारे हालात में शेयर बाजार का क्या हाल है और हमारे रुपए का क्या हाल है, ये बहुत ही अहम है। देखिए शेयर बाजार की हालत तो इतनी पतली हो गई है कि रोज वो धड़ाम धड़ाम गिर रहा है। जी जी। और जो 62,000 पे सेंसेक्स था वो आज के दिन जो है 51,000 पे जो रुल रहा है। तकरीबन जो है समझिए 26,00,000 करोड़ रुपए लोगों के शेयर बाजार में डूब गए हैं। और रुपया जो है उसकी हालत शेयर बाजार से ही पतली है, रुपया 78 रुपए पे पहुंच गया है। और आप समझिए एक साइकोलॉजिकल लेवल है कि 80 रुपए होते ही रुपया जो है 92 रुपए पे जाकर रुकेगा। और ये मैं आपको आज कहना चाहता हूँ, देश के लोगों को कहना चाहता हूँ कि जून में, जून का महीना भी पूरा खत्म नहीं हुआ है, जून में शेयर बाजार जो है 80 रुपए को टच कर लेगा। और अगस्त में जब हम 15 अगस्त को झंडा फहरा रहे होंगे, डॉलर जो है 92 रुपए पे अपनी जो है सलामी दे रहा होगा। जी, जी जी जी। तो देश की हालत बड़े खराब है और रिजर्व बैंक को खुद शर्मानी चाहिए, वो कहता है जी जो थोक की महंगाई है वो 16% पे पहुंच गई। बताइए, यानी आदमी खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, जी नहीं सकता, लाइट आती नहीं, पानी मिलता नहीं, अस्पताल में दवा नहीं, स्कूल में जो है शिक्षा नहीं, यानी देश को बर्बाद करने में पूरी तरह से मोदी जी कामयाब हुए हैं, ये मैं कह सकता हूँ। ये बहुत ही अहम बात है और बहुत ही तकलीफ दे बात है। रविंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया और सरकार क्या कुछ कर रही है और इस सरकार के दौरान क्या क्या कुछ हो रहा है। कई किस्म की मार है, एक तरफ नफरत, दूसरी तरफ कारोबार जीरो, उसके अलावा
नौजवानों के साथ क्या कुछ हुआ, जो लोग भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। आपने बताया कि 21 से 28 साल वाली उम्र वाले बच्चे जो तैयारी सड़क में उतरे, वो बिल्कुल सड़क पे उतर गए। और आखिर 4 साल के लिए फौजी बन के क्या करेगा इंसान, क्या मुल्क के साथ उसकी कोई हमदर्दी होगी, क्या वो देश पर मरने मिटने के लिए तैयार होगा? अगर ऐसा नहीं होगा तो देश की सिक्योरिटी का क्या कुछ होगा? विदेशों की तरफ से जो, चीन की तरफ से जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान हमारा दुश्मन सामने है, चीन हमारे सामने है, और अभी चीन के हाथ में बहुत कुछ है जो बताया नहीं जा रहा है, मीडिया नहीं बता पा रहा क्योंकि मीडिया की एक्सेस नहीं है, और अक्सर मीडिया तो गोदी मीडिया कहलाता है, वो कुछ हकीकत नहीं बता रहा है। अंधेरे में रहिए, चुप रहिए, लाइट बंद कीजिए और सो जाइए, तकरीबन ऐसी हालत हो गई है देश की। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।